25-year-old Prathamesh Hirve, after years of burning the midnight oil in his humble 10 by 10 feet home at the Filtapara slums in Powai, has qualified for the elite Indian Space Research Organization. Prathamesh has now the entire universe ahead of him. He was granted admission in Bhagubhai Mafatlal Polytechnic College for a diploma course in electrical engineering. But this was just the beginning of his struggle. And Prathamesh had yet to overcome one of his biggest challenges, the language barrier. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जितना भी मैंने जो स्ट्रगल किया था वो वर्कआउट हो गया और मैं फाइनली अपने गोल की ओर रीच कर रहा हूँ, जो गोल था कि देश की सेवा जितनी बड़ी और अच्छे से कर पाए। यहाँ पे 10x10 के रूम में रहना और अपने माँ बाप के साथ में आपके सपने अचीव करना, ये थोड़ा मेरे लिए अलग एक्सपीरियंस था। जैसे कि मैं जब रात में पढ़ता था तो मुझे ट्यूब लाइट्स वगैरह ऑन रखनी थी और उसी वक्त में मेरे मम्मी पापा भी सो रहे थे, तो वो अपनी नींद काफ़ी वक्त तक सेक्रीफाइस करते रहे जब तक उन्हें महसूस था कि ये लड़का कुछ ना कुछ कर दिखाएगा, आगे कुछ ना कुछ बनेगा। इसलिए उन्होंने अपनी नींद सेक्रीफाइस कर ली और मुझे पढ़ाई के लिए बढ़ावा देते रहे। मेरा बेटा साइंटिस्ट बन गया तो मुझे बहुत ही खुशी है और आनंद है, क्योंकि मेरा लड़का इतना ऊंचा स्थान पर गया तो बहुत ही खुशी की बात है। क्या उसको आप मेहनत करते हुए देखते थे, कैसा लगता था? जी हाँ। किस तरह की मेहनत करते थे? वो जब फर्स्ट से दसवीं तक जो अभ्यास करता था तो उसका पूरा श्रेय जो है उसकी मम्मी को जाता है, क्योंकि जब एग्ज़ाम या क्लास में जाके आता था तो मम्मी उसका पूरा क्वेश्चन आंसर और रिवीजन करके आज का काम आज ही करने को कहती थी और उसी प्रकार का उसने सहयोग किया।